जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बगावती तेवर अभी शांत भी नहीं हुआ कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर महागठबंधन सरकार में राजनीति शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द महागठबंधन सरकार को बड़ा झटका लग सकता है और यह झटका कांग्रेस दे सकता है। महागठबंधन सरकार में बेशक कांग्रेस शामिल है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर बगावती तेवर अपना सकती है। शनिवार को समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि ये इन सब पर फैसला तेजस्वी यादव ही लेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। विस्तार हो रहा है क्या सर? कांग्रेस दो सीटें मांग रही है, क्या कैबिनेट का विस्तार हो रहा है क्या सर? कैबिनेट का विस्तार हो रहा है? आप डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए ना, ये बात हो गई है ना। जो जब सब एक नए तरह का अलायंस होकर के हो गया है तो इस साइड का कितना होगा वो तय और लोग बात कर लेंगे। हम तो वेट ही कर रहे हैं कि जो भी करेंगे वो तय कोई होगा। लालू जी आ जा रहे हैं, मंत्री जी लालू जी भी आ रहे हैं वापस। वो तो दिल्ली में आ रहे हैं, वो तो दिल्ली आ रहे हैं। अभी जब पटना आएंगे तो पटना आएंगे, लेकिन अभी दिल्ली आ रहे हैं। अब स्वस्थ हो गए, सब तरह का है, मुक्त द्वार है। बता दें कि कांग्रेस दो और मंत्री पद की मांग कर रही है। अभी कांग्रेस के दो मंत्री हैं। कुल चार मंत्री पद के हिस्सेदारी की बात बिहार कांग्रेस की ओर से की जा रही है। ऐसे में सीएम नीतीश का यह बयान बड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि सीएम ने सीधा तेजस्वी पर निर्णय छोड़ दिया है। नीतीश कुमार के इस बयान से साफ है कि उन्होंने इसका फैसला आरजेडी और कांग्रेस पर छोड़ दिया है कि किसे कितना मंत्री पद दिया जाना है। इधर एक तरफ नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल के विस्तार के सवाल पर गेंद तेजस्वी यादव के पाले में डाल दिया है, तो उधर कांग्रेस का कहना है कि नीतीश कुमार से बात हुई है, फैसला नीतीश को करना है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं पता, बस वो इतना जानते हैं कि महागठबंधन नेता नीतीश कुमार है। अखिलेश सिंह शनिवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कांग्रेस दो और मंत्री पद की मांग को लेकर अपने फैसला पर अडिंग है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आरजेडी कोटे से दो मंत्री हटाए जा चुके हैं, यह जगह भी भरनी है। जेडीयू कोटे की अगर बात की जाए तो सारी सीटें फुल है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इसीलिए ही यह फैसला आरजेडी और कांग्रेस पर छोड़ दिया है कि ये दोनों आपस में बात कर लें और बता दें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।